हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, सुबह का टाइम है, बच्चे अभी तक दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड उठ गए हैं, नहाने के लिए गए हैं। जब तक वो नहा के आएंगे तब तक मैं जल्दी से नाश्ता बना लूँगी, और साथ ही में मैंने दूध गर्म कर लिया है, और अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, दूध गर्म करके दे दिया, चलो उनका हो जाता है। लेकिन मुझे चाय सुबह पीना ही रहता है। कभी कभी मैं अवॉइड कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पीती हूँ, क्योंकि मैं जब नहीं पीती हूँ ना तो मेरा सर बहुत तेज़ भारी हो जाता है और मेरी नींद भी नहीं खुलती है। तो उसकी वजह से मैं चाय पीती ही हूँ, और नाश्ता नहीं करती तो चल जाता है, लेकिन चाय मेरे को चाहिए रहती है। तो चलिए पहले जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बाद में मैं, जब तक नाश्ता करेंगे हस्बैंड, तो फिर मैं बाद में चाय वगैरह बना लूँगी। और अभी काफ़ी टाइम के बाद में मेरा व्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सही टाइम आएगा तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी भगवान से प्रार्थना करो कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं सच में मैं नहीं चाहती कि उस प्रॉब्लम में सबका ऐसे बुरा हो, क्योंकि अगर सच में अगर वो सॉल्व नहीं हुआ ना तो उसमें बहुत बुरा होने वाला है सबका। तो प्लीज़ आप भी प्रेयर करना मेरे लिए। और चलिए जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सच में मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे सपोर्ट करो। और जिससे कि आप मुझे सपोर्ट करते हो ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब वीडियो बनाने का मूड नहीं होता है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो। और कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करो, क्योंकि सारे फैमिली वाले भी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करो। तो बस, और देखिए यहाँ पर बातों बातों में ही मैंने पोहे बना दिए हैं। और पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी, जब भी मैं जैसे भी नाश्ता बनाती हूँ या फिर सब्जी में बनाती हूँ ना, तो मुझे छींके आना स्टार्ट हो जाती हैं। और मतलब रोटी वगैरह बनाती हूँ तो बिल्कुल नहीं, पर जैसे ही तड़का लगाती हूँ ना तो मुझे छींके स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और सुबह सुबह मुझे सर्दी वगैरह भी हो जाती है, दिन में कुछ नहीं होता है। तो बस मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद कि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो मैं अभी जाऊंगी डॉक्टर को दिखाऊंगी एक बार। और यहाँ पर देखिए पोहे बन गए हैं, और अभी मैंने अपने लिए चाय रख दी है, और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं तो मैं उनका जल्दी से नाश्ता निकाल दूंगी, और वो दूध लेते हैं। तो उनके दूध में मुझे हमेशा गुड़ डालना रहता है, तो मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। और देखिए अपनी चाय भी बन गई है, तो जल्दी से निकाल दूँगी, तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर वीरू अभी उठ गई हैं, और टीना भी उठ गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, उठ ही नहीं रही थी। मैंने 9 बजे इसको उठाने लगी थी, लेकिन ये नहीं उठ रही थी। और मतलब उठी थी एक बार, लेकिन ये फिर से सो गई थी। और कल में हल्दी कुमकुम था यहाँ पे ऊपर ही, उधर गई थी ना, तो वहाँ पर ये मेहंदी का कोन दिया था, तो वीरू को उसने देख लिया था कोन, तो वीरू को और टीना को मैंने दोनों को मेहंदी लगा दी है, देखो रात ही को। और अभी इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, और ये देखो मैंने पहले वीरू का हाथ पकड़ लिया ना, तो ये देखो ऐसे नाटक करती है। और ये इसका हमेशा का ऐसे ही रहता है, कुछ भी अगर मैं वीरू से बात करती हूँ या उसको प्यार करती हूँ ना, तो ये बड़े ऐसे बैठ जाती है मुंह फुला के। और यहाँ पे मैंने मतलब गाजर ले लिया, लेके रखा था 2-3 दिन से, तो मैंने वीरू को ऐसे लिया था खाने के लिए, लेकिन टीना ने तो खा लिया था, और वीरू को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मुझे इसका हलवा बना के देना, क्योंकि उसको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो उसकी वजह से। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 गाजर थी, तो यहाँ पर मैंने उसको ग्रेट कर लिया है, तो अभी जल्दी से उसका हलवा बना दूंगी। और
तो बस उसको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है ना, उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं जल्दी से बना दूंगी। और सिर्फ 2 गाजर ही थी, तो यहाँ पर मैंने अभी उसको ग्रेट करके ले लिया है, तो जल्दी से इसका हलवा बना देती हूँ। और मैंने हलवा बनाया ना, तो बाद में टीना ने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मीठा। आप आगे वीडियो में देखना। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी उसमें दूध भी डाल दिया है, और अभी इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी कट करके रख दिए हैं, और मैंने रात को पाव भाजी बनाई थी, तो उसमें से पाव भाजी थोड़ा बच गई थी, तो अभी मैं इसको गर्म कर लूँगी। और पाव भी पड़े हैं, तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे। वैसे नाश्ता तो मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी वीरू ने देखा तो बोला कि मुझे खाना है, तो मैं उसको गर्म करके दे दूँगी। तो हलवा मैंने बना लिया है, और अभी दोनों बच्चे खेल रहे, और जब तक थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक मैं जल्दी से आटा लगा दूंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया है। और अगर वो खाना बना के नहीं रखूंगी मैं जल्दी से टाइम पे, तो आते ही चिड़चिड़ करेंगे और फिर कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तो जल्दी से खाना बना देती हूँ। और वो मतलब उनको ऐसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, अपना जो भी काम रहता है वो अपने टाइम पे चाहिए रहता है। और यहाँ पर देखो मैंने वीरू को ऐसे, उसको नहीं पता था कि मैं हलवा बना रही हूँ अंदर, तो वीरू ने वीरू अंदर आई, मैंने उसको बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तो उसने बोला क्या है, मैंने कहा आंखें बंद करो, और फिर मैंने उसको दिखाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और जैसे ही मैंने टीना के लिए निकाला ना, देखो मैंने 2 प्लेट में निकाला है, और वीरू तो अपना लेके चली गई है देखो, लेकिन टीना ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और ये वीरू का जो जूठा पाव था वो लेके खाने लगी है देखो, पाव भाजी, और उसने बिल्कुल भी मीठा हलवा नहीं खाया। जो भी सारा था वो वीरू ने फिनिश किया है, तो इसी वजह से कुछ भी बनाने का मूड नहीं करता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खाती है उस, तो दोनों का अलग ही रहे उसका। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने उनको हलवा दे दिया है, और अभी जल्दी से जो भी रोटी वगैरह है मैं बना दूंगी, और उसके बाद में मुझे अभी तक कपड़े भी धोने हैं, तो रोटी बनाने के बाद में मैं कपड़े धोऊंगी। और साथ में यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी भी बनने के लिए रख दी है, तो सब्जी भी बनती जाएंगी और मेरी रोटी वगैरह सब बन जाएगी। तो रोटी वगैरह मैंने बना ली है, एक बार झाड़ू भी मैंने लगा दिया है, और अभी आ गई हूँ बाहर, क्योंकि धूप आ गई थी और कपड़े अभी तक मैंने धोई नहीं थी, तो जल्दी से आ गई हूँ बाहर, और अभी मैं कपड़े जो भी हैं वो सारे धो दूंगी। और अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, तो मैं कपड़े अपने बाद में धोऊंगी, बच्चों के और हस्बैंड के धो दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है साड़ी में कपड़े धोना, और मतलब गिरता रहता है, तो उसकी वजह से मैं ये इसको ऐसे ड्रेप करके मैं धोती हूँ, इसमें मतलब खुलता नहीं है ना, तो जल्दी से ऐसे वो धोने का ही रहता है कि हाँ धो जल्दी से, धो दो जल्दी से धो दो, वरना क्या है इधर से लटकता है साड़ी, इधर से लटकता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम भी जाता है। और मेरा पोछा वगैरह भी लगाना है, और बर्तन भी थोड़े पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही साड़ी भीग गई ना, तो फिर बाद में मुझे डायरेक्ट नहाना पड़ेगा, जो भी काम रहेगा वो बाद में करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ड्राइव करके फिर कपड़े धो रही हूँ।
देखिए कपड़े सारे धुल गए हैं और अभी जल्दी से इनको सुखा लूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।